ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओके, आई थिंक मेरी आवाज़ अभी थोड़ी वो सोकर उठते हैं तो वैसा होता है ना, वैसा है क्योंकि अभी टाइम क्यों हो रहा है अच्छे इतने, मतलब ये जो टाइम में आज उठी हो ना, अभी तक मैंने अपने ससुराल में इतने टाइम पे कभी भी नहीं उठी हूँ, क्योंकि बट आज जाना है इसलिए मैं उठ चुकी हूँ और रेडी वेडी भी हो गई हूँ। तो ये रही मम्मी। मम्मी बोली कि जब से हम सुने कि तुम जा रही हो मेरा पेट में दर्द है। अब ठीक है मम्मी, पेट का दर्द? नहीं 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 रोइए नहीं मम्मी, मम्मी रोइए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ फिर आइएगा ना, सपना को लेकर आइएगा और क्या है ना। नहीं मम्मी, अच्छा एक और चीज बताते हैं। एक मीम बहुत चल रहा था कि लड़की अपने ससुराल जाती है एक बैग लेकर और आती है चार बैग लेकर। तो हम चार बैग तो नहीं लेके, हम दो बैग लेकर आए हैं और एक बैग एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं, और बहुत चीज लेकर हम जा रहे हैं मम्मी। तो लेट्स गो, क्योंकि लेट हो रहे हैं और भी कुछ काम है इसीलिए। नहीं मम्मी मुद्रा दे चुकी हैं पहले ही, मम्मी अपना हिसाब क्लियर कर ली हैं। समय सूत ना मम्मी, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। अरे बाबा हाँ बाय, आना ठीक है ना। आ हाँ 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 पक्का पक्का, चलिए बाबू लो यार ठीक है। ओके गाइस, सो अभी अभी आप लोग ने जो नज़ारा देखा वो हमारे स्कूल का था। मतलब अभी गुड कह रही है कभी कभी नहीं बन करता था स्कूल जाने का, क्योंकि सिस्टर जैस्मिन का टेस्ट होता था। मतलब ये जो बोल रही है ना, इसके बोलने से वो स्ट्रेस सा फील हो रहा है जो उस वक्त हुआ करता था। मतलब बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया, बहुत एम्बेरसिंग लगता है, नहीं लगता है बोले कि लाइक। लेकिन स्कूल बस ही चेंज हो गया थोड़ा सा। हाँ हम लोग के स्कूल का पहले रंग था ब्लू एंड वाइट था, एंड बड़ा वाला जो बस जो सवारी बस होता है उस टाइप का था। अभी तो सब कुछ चेंज हो गया, ड्रेस वगैरह भी चेंज हो गया। इनफैक्ट एंड आप ड्राइवर भैया वही थे? नहीं वो नहीं थे, मतलब क्योंकि ना हम लोग के जैसे स्कूल में ना था एक डोम चार्ज के लिए जाता था, मतलब अलग अलग रीजन, हाँ अलग अलग रीजन के में से बच्चे आते थे, तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग बस था, तो दूसरे रीजन के भैया थे। बट ठीक है, अच्छा लगा कि लाइक सीनियर्स हमको तो बहुत एम्बेरसिंग फील होता है। एक्चुअली अभी सुबह सुबह आप सोच रहे होंगे कि अभी तुरंत आई और कहाँ चली, तो आज ये नेक्स्ट डे नहीं है, आई थिंक ये ससुराल से आने के बाद ये दूसरा दिन है, और मैं जा रही हूँ शादी, इसलिए मैं ससुराल से मतलब थोड़ा जल्दी आ गई इसीलिए। और हम लोग जा रहे हैं रांची, मतलब हमारी जो एक बहन है उनकी रिलेटिव है, उनकी शादी है, तो आज शादी वाला एंड ओके। और वहाँ पे आप लोगों को जॉली दी जी, यार मतलब जो लोग आपको यूजुअली सुब्रा, हाँ लास्ट टाइम वाले में सुब्रा थी नहीं थी ना, हाँ तो सुब्रा नहीं थी, तो सुब्रा से भी आप मिलोगे। मम्मी वगैरह, मम्मी पहली चली गई, मतलब जिस दिन मैं यहाँ आई थी उसी दिन मम्मी भी चली गई थी, तो मम्मी से भी हम लोग वहीं जाके फाइनली मिलेंगे, एंड वी विल हैव सम एंजॉयमेंट एंड गुडन बुक पिज्ज़ा वगैरह खाएंगे क्या मिलेगा सच में। मतलब आज है और मतलब नेक्स्ट टू डे भी है, क्योंकि मम्मी को ना थोड़ा डॉक्टर वगैरह से दिखवाना भी है, तो अगर हम लोग मिलता है तो खा लेंगे यार, बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, मतलब ये यहाँ पे वैसा अच्छा मिलता नहीं है ना इसलिए। एंड आई नो अभी मेरा वीडियो पापा देख के और बोलते हैं कि कितना, मेरे पापा तो जो मेरा फादर इन लॉ है वो हमेशा बोलते हैं, मतलब जब भी पूछेंगे कि आज घर का खाना चला है कि बाहर का खाना चला है, तो पापा अभी के लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का, इसलिए हम लोग अभी खाएंगे। एंड हमको लग रहा है कि हम थोड़ा आंटी आंटी जैसा लग रहा है। गुड नहीं लग रहा पक्का?
एंड थोड़ा ये मेहंदी वगैरह भी जो भी था सिंपल सिंपल लगा लिया कि थोड़ा शादी में जा रहे तो अच्छा ही लगेगा। तो अब आई डोंट नो बीच में कुछ अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग, अरे भाई बस की आवाज को इग्नोर करो और हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली वहां, या फिर बीच में कुछ होता है तो बीच में मिलते हैं। ओके एक्चुअली मैं हो गई हूँ रेडी, जो मतलब शादी वगैरह में जो मैं आई हूँ, एंड पसीना आप देख रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि बस यहाँ थोड़ा बहुत फैन है तो चल रहा है, बट बाहर निकलने के बाद आई थिंक सारा मेकअप हमारा धुल जाने वाला है, बट कोई बात नहीं। एंड आई थिंक आई एम जस्ट लविंग माई मेकअप, मतलब मैंने खुद से ही किया हुआ है। एंड ये रही मेरी साड़ी जो कि अभी हाल फिलहाल में, मतलब अभी जो मैं आई हूँ तो मम्मी ने ये मुझे दिया हुआ है, गिफ्ट किया। सो एंड लेट मी शो यू, सभी लोग रेडी तो हो गए हैं। मतलब बीच का और भी कुछ ना मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ क्योंकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए सब लोग बहुत ही दिन भर टेंशन में थे, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। बट अभी मतलब सिचुएशन बुरा ही है, बट मतलब मैं आप लोग से उतना शेयर नहीं कर सकती, बट उस सिचुएशन बहुत ही बुरा है। बट उस हालात में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है करना वो चीज़ हो रहा है, दैट इज़ शादी हो रही है। और डन रेडी हो गई हो, सब लोग रील वील बना रही है, मैंने भी रील बना लिया है, मैं दिखाती हूँ मम्मी चाची और जॉली दी को। ओके सो ये रही जॉली दी, वो हेलो, तो जॉली दी है। एंड आओ मम्मी एक बार सब लोग अपना अपना भाई दिखा दो। हेलो, ओ हेलो, और चाची चाची हट जाओ भाई, और ये रही चाची, तो और वो रही जिया। तो हम लोग सब लोग भी रेडी हो गए हैं, बट सबके मुंह पे ना अलग ही ग्लो आ रहा है, पसीना वाला ग्लो, और बाहर निकलते ही आई डोंट नो क्या होने वाला है, इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत रील्स वील्स जो भी बनाना वो हम लोग भी बना ले रहे हैं। और कब लोग कब तक निकल रहे हैं हम लोग यार? ओके 10 मिनट, क्योंकि ओके गाइस, तो ये रहे दूल्हे राजा। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बहन के शादी में आई थी तो मैं दूल्हे के साथ क्यों हूँ, तो ये थोड़ा लव मैरिज है एंड हम लोग दोनों के साइड से हैं, दोनों हमारे रिलेटिव्स हैं। एंड कुछ जो अनफॉर्चुनेट हुआ था कि समवन बहुत ही डियर वन, उनकी मतलब रस्म करते करते उनकी डेथ हो गई, तो मतलब आधा अधूरा जनेऊ वाला जो रस्म होता है वो बच गया था, इसलिए वो यहाँ आए और हम लोग जबकि उनके साइड से थे इसलिए हम लोग यहाँ पे शामिल हो गए बाकी के रस्मों में, मतलब बाराती वगैरह में भी। फिर बारात होने के बाद भी लाइक जॉइंट फिर से लड़की वाले के साइड से, मतलब रात भर हम लोग लड़का लड़की जिधर से जरूरत हम लोग उधर होते रहे, लाइक मैं गुड्डन जॉली थी, सुभ्रा नहीं थी क्योंकि सुभ्रा जिनकी शादी है वो सुभ्रा की ही मौसेरी बहन है, इसलिए सुभ्रा इस साइड हम लोग के साथ नहीं दिखी है इस बार ज्यादा। ये लड़की के भैया है, दोनों लड़की के भैया है, और हम है लड़का की बहन और लड़की की दीदी। तो हम लोग पहले थे सराती वाले, अब हो गए बराती वाले। नहीं नहीं सब ठीक हो गया, लगा नहीं फोटो नहीं ले रही, वीडियो ले रही। हाँ लगा लगा है भैया, इतना क्या करते हैं। हाँ 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 ठीक है, आ रहा है, ले लिए भैया। क्या क्या रिमझिम भैया, पूरा मेकअप करवा रहे, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मसाज साज भी चाहिए क्या?
पहला बार सुंदर लगेंगे, बहुत स्मार्ट सुंदर सुंदर आज लगेंगे। नहीं आज मतलब गुडक कह रहे हैं रिमझिम ऐसा बना दो कि कोई पहचान ना पाए कि आप ही हैं ना। थैंक्स टू गुडक। हसी बबलू गुरु भैया ससुराल में है नहीं। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, माता रानी की जय। अब निकलिए भैया आगे बढ़िए, पीछे गैस। तो इधर का सारा रस्म करने के बाद हम लोग सोचे कि हम लोग घर ही चलते हैं, बट हमें दिखा ये डॉली बैंड। तो डॉली बैंड हमारे झारखंड का बहुत ही फेमस बैंड है, इसलिए हम लोग यहाँ रुक गए देखने के लिए। मौसी जी यानी कि जो दुल्हन की माँ है वो इंतजार कर रही है दूल्हे राजा के गाल सिकाई का। तो यहाँ पे जो रस्म होने वाला है वो गाल सिकाई वाला होने वाला है। खिलाओ खिलाओ जीजू जी, अपने हाथ से खिलाओ जीजू को, मना कर रहे हैं सुब्रा बताओ। हटा लो सुब्रा हटा लो, ऐसी ऐसी चोरी होता है सुब्रा। हटा लो हटा लो। नियम क्या होता है, नियम नियम होता है, बहन बारात में आई है रूठ जाएगी ना बहन, तो देखते रहना, तो हम ही रूठ जाओ। क्या
क्या चैलेंज करेंगे यार, हार गई पहले हले कहाँ गया भाई सबको ये चिंता, इसको ठंडा पानी का चिंता। सुब्रा जूता चोरी कर चुकी है गुडन जी नहीं लड़का जी नहीं गुडन लड़का का भाई भाई का तो बहन बैठी हुई है। सो ये रस्म होता है जिसमें दुल्हन के भाई दुल्हन को मंडप में गोद में उठा कर लाते हैं, तो यहाँ पे सारे भाई लग गए थे दुल्हन को लाने में, बट अब ऐसे अब यूजुअली इतना होता नहीं है। फेरों के बाद फिर अब टाइम था सिंदूरदानी की, तो इसमें जो लड़की की जो या मैरिड अगर बड़ी बहन हो या तो बुआ हो वो मतलब मांग फाड़ती हैं, एंड ये यहाँ पे घी लगाया जा रहा है क्योंकि इसके बाद जो सिंदूर लगने वाला है, हमारे भी कल्चर में ये जो मूवीज़ में जैसा लगता है ना वो टीका वाला, वैसा नहीं लगता है, कुछ इस तरीके से लगता है, मतलब पूरा सर सिंदूर से भरा भरता है, तो वो इस सिंदूर को थोड़ा सा टिकाने के लिए घी लगता है, बट काफ़ी सुंदर लगता है यार ये सारा कल्चर, बहुत ही मुझे उस रियली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सारी चीज़ों में। कहाँ तुमको उठा के ले आए, थोड़ा सा इधर बुला दे अंकू का शादी हो रहा है तो आप अंकू का शिकायत कुछ कर। कभी नहीं, अंकू मेरी बहुत प्यारी बहन है, अंकू के लिए मैं जान दे सकता हूँ लेकिन अंकू को कल उठा नहीं सकता। आओ इधर बैठो और ये हम पानी खाते पान खाती हो क्या? अंकु आपकी जान जान है ओहो, और जाने के बाद अंकु जब चली जाएगी जान चली जाएगी, अब आपकी जान दूसरे जान अमित की जान हो गई। रिमझिम भैया पूरा 7 वचन रिवीजन किए तो अच्छे से बैठ के बगल में पंडित जी सेकंड को हम ऑप्शन दे देंगे, घर का आदमी है जान बनने का, शक्ल देख के नहीं लग रहा कि किधर का आदमी है। दो तरह खा बिना मीठा वाला कौन सा है? क्या वो बना रही हो इसे तू? मीठा पान मिठाई और जर्दा खा ली क्या? जर्दा नहीं, अच्छा मीठा क्या खा रही हो? पान यही सब करो, मीठा पान छोड़ के तुम जर्दा वाला जूता चुराई थी, ये छुपाई थी जूता चुरा के, तो आप लोग उसका मतलब लीक कर दिए जूता को? ये लोग लड़की साइड से हैं। आप काला पैंट पहने हैं ना, पता चला है पता चला कि जो चुराया वो काला पैंट पहना है, और वो है आप हम लोगों को जूता चाहिए भी नहीं, पैसा चाहिए पैसा मिल जाएगा, खाली पड़ जाएंगे अच्छा लगेगा। पैसा भी तो नहीं है उनके पास, उनके पास पैसा अभी भी बोल रहे कि शर्त लगा लीजिए कि बिना जूता के हम पैसा ले सकते हैं कि नहीं, शर्त लगाइए आप। सबसे फंस जाता आदमी फोन पे का जमाना में, पर्स नहीं भी है फोन पे करवाइए, केवल वन फोन पे तो लेके रख लिया, फोन पे तो लेके रख लिया। अच्छा ठीक है, हाँ तो देखो ये भी बात था कि हस्बैंड फंसे तो वाइफ सपोर्ट करेगी, तो वाइफ अपना फोन पे से करवाएगी, वही नहीं करेगी इसी में डाउट है, बोलेगी रखो। हाँ ये वाला बात डाउट नहीं, यकीन है ये वाला बात, यकीन है कि तू है उधर भाई है नहीं, यही यही छोटो छोटो तुम ही छुपाया थे, हम तो ये लोग ही गए थे, आप लोग फुट मांग रहे थे पैसा चाहिए
तुम्हारा जूता जितवा दी जाओ इसको छुपा दे मोबाइल को चुरा लिया सब ढूंढ आ जाएगा। हाँ गाइस तो एक और रस्म होता है जिसे घूंघट कहते हैं। इसमें जो जेठ होते हैं वो दुल्हन का जो घूंघट होता है वो खींचते हैं कि घूंघट में रहो, और दूसरे साइड जो दूल्हा होता है वो कहता है कि तुम्हें घूंघट में रहने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें आज़ादी है। तो देखो कितनी प्यारी प्यारी, मतलब हम लोग अपना कल्चर को ना अच्छे तरीके से हम लोग जानते नहीं है। ओके गाइस सो दिस इज नेक्स्ट डे, और कल तो क्योंकि विदाई के बाद हम लोग वापस जॉयदी के रूम पे हम लोग फ्लैट पे आ गए, एंड हम लोग दिन भर कल सब लोग सोए हैं तो कल तो कुछ भी नहीं हुआ। सो टुडे इज संडे, एंड आज मतलब थोड़ा बहुत अभी शाम में हम लोग निकलेंगे, मतलब मैं चाची गुड्डन और मम्मी हम लोग शाम में निकलेंगे। एंड ये जो शादी में मतलब जो माहौल हो गया था ना, मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद मतलब जो मिनिमम कर सकते थे हम लोग वी डिड एवरीथिंग, एंड वी ऑल्सो नो कि हर किसी के लाइफ में ना शादी वगैरह एक बार ही होता है, एक मतलब उसका एक फीलिंग ही अलग होता है। तो फिर भी कुछ जो भी सभी बड़ों से सलाह वगैरह लेने के बाद ये शादी अच्छे से हो गई, एंड बट इसे एक बहुत ही मतलब एक चीज़ जो मतलब बहुत ही डीपली है, बट लाइफ इज ना, ये जो थॉट मैं अभी बोल रही हूँ ये थॉट मुझे मिली वाले से ही आया था, मतलब समझ में आ गया, बट आप लोगों के लिए भी है कि गाइज लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, तो जियो, जस्ट लीव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, एंड ज़्यादा इतना सोचो मत यार कि हाँ ये वो, नो वन नो कि कल क्या होने वाला है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब आप किस सोच सकते हो कि कैसे, मतलब एक पल एक सेकेंड जहाँ पे इतनी खुशियाँ थी सब लोग खुश थे, एंड द नेक्स्ट पल सिचुएशन कैसे चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे लड़की वाले थे तो यहाँ पे हमें उतना पता नहीं चला ये सारी चीज़ें, बट जहाँ हुआ लड़के वाले लड़कों वालों की तरफ से उनको उनका वहाँ का तो फीलिंग ही अलग होगा, वहाँ का वाइब ही अलग होगा। सो जस्ट लीव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड खुश रहो यार, मतलब कितना लड़ोगे झगड़ोगे ये वाली चीज़ हो जाती है, बट आई डोंट नो, ज़्यादा उतना बकवास नहीं करती हूँ मैं, बट आई थिंक सो कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके तो ज़्यादा बापा जी ना बन के इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, आई होप सो एंड विश द कपल वेरी मैरिड हैप्पी लाइफ फॉर एवर, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लीव योर लाइफ टू द फुलेस्ट।